अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे कोकोनट हलवा, जिसके लिए हमें 3 अंडे चाहिए, 1/2 कप बटर, 4 ounce शुगर, 8 ounce सूखा दूध किसी भी कंपनी का हो, 8 ounce कोकोनट पाउडर बारीक फाइन चॉप किया ग्राइंड किया हुआ है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बटर को मेल्ट कर लेंगे। मटर हमारा मेल्ट हो चुका है, अब हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। हल्की हीट के ऊपर हम इसको, ये देखें फ्लेम बिल्कुल लो है, और हम इसको भूनेंगे जब तक थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन ब्राउन में ना आ जाए तब तक। देखें अब हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इस स्टेज पे सूखा दूध शामिल करेंगे। इसको भी हम इसके साथ भूनेंगे। देखें बिल्कुल लाइट हीट के ऊपर इसको हल्का हल्का भूनना है, जैसे इसका गोल्डन ब्राउन कलर आने लग जाए। तो उसके बाद फिर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा और इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि कोकोनट और खुशक दूध एक जैसे हो, यकजान हो जाए। ये देखें बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब हम इसमें अपनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो बस इसको इस तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 अंडे जो थे वो बीट करके आहिस्ता आहिस्ता वो भी शामिल कर देंगे। शुगर को अच्छे से मिक्स करना है। आंच मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, बिल्कुल लो रखनी है। ज़्यादा हीट होगी तो कोकोनट और ड्राई मिल्क जो है वो जल जाएगा। तो ये देखें मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें अंडा शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको मिक्स करते जाना है। सारा तीनों अंडे हमने बीट किए हुए वो शामिल कर दिए और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। झटपट बनने वाला कोकोनट हलवा, अचानक से मेहमान आए आप फटाफट रेडी करके खाने के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम है,
ऊपर हम अखरोट के साथ गार्निश करेंगे, चाहे आप बादाम कर लें या काजू पिस्ता, कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है। तो ये देखें, यम्मी मज़ेदार झटपट कोकोनट हलवा रेडी है।